तो सभी को जय श्री राम, जय माता दी। आज है 2 दिसंबर 2023 और आज मैं एक लॉन्ग राइड के लिए निकल रहा हूँ। प्लानिंग तो बहुत कुछ है कि इधर जाऊँ उधर जाऊँ, और बाकी सब साई के हाथ में है कि सफलतापूर्वक होता है कि नहीं होता है। क्योंकि कारण ये हो जाता है, कभी कभी प्राकृतिक विपदा आ जाती है, सामाजिक तकलीफ आ सकती है। अगर कुछ ऐसा होता है तो उस स्थिति में मुझे आधे दूर से ही लौटना पड़ सकता है। और बाकी मैंने तो टारगेट बना रखा हूँ, पूरा प्लान बना लिया हूँ, मुझे यहाँ यहाँ जाना है, और पूरा विश्वास भी है कि सफलतापूर्वक मैं ये सभी जगहों को एक्सप्लोर करके लौट आऊँगा। तो मैंने लगभग पूरी तैयारी कर लिया हूँ, मेरा गाड़ी भी पूरा रेडी है, सारे सामान तैयार हैं, और अब सिर्फ मुझे अपना राइडिंग गियर पहनना है और शिव साई मंदिर से अपना जो बिगनिंग पॉइंट है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी यात्रा को। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अब मैं निकलने की बिल्कुल तैयारी करता हूँ। मुश्किल से आधा पौन घंटा के अंदर तैयार होके अपना शिव साई मंदिर पहुँच के वहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपनी यात्रा। फिलहाल मैं झांसी दिल्ली होते हुए अमृतसर जाना है मुझे। पहला मेरा वहाँ पर गुरुद्वारा जाना है, वहाँ दर्शन करना है, वाघा बॉर्डर जाना है, उसके बाद फिर अमृतसर से फिर बताऊँगा आगे आगे कहाँ कहाँ जाना है। तो चलते हैं हम अपनी यात्रा की ओर, और अपने वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हौसला बढ़ाइए मेरा भी, क्योंकि जैसा भी बनता है मैं अपना वीडियो डाल लेता हूँ। अब आगे आपकी मर्जी। तो चलते हैं अपने यात्रा की ओर। तो ये मैं तुमड़ी बोर्ड से काफ़ी आगे आ गया हूँ, बस रेस्ट दे रहा हूँ गाड़ी को भी खुद को भी। टोटल रायपुर से आया हूँ
25,260 में निकला था, अभी ये दिखा रहा है 347। ना ओवरलोड है गाड़ी, अब थोड़ा कोल्ड ड्रिंक हो जाए। इसका ड्रिंक करते हैं। ये अपना कोल्ड ड्रिंक निकल गया। सुबह के 6 बज गए हैं और मैं सीनी में स्टे किया हुआ था पेट्रोल पंप में। ये मेरा टेंट लगा था और हल्का उजाला आ गया है आकाश में। अभी मैं सब सामान अपना पैक कर रहा हूँ, लगभग हो चुका है। अच्छी जगह, इसमें दो लोगों के सोने के लायक काफ़ी सफिशिएंट जगह है। और ये मैं पेट्रोल पंप में स्टे किया था, सिवनी हर्षद पेट्रोलियम। ये एक रायपुर का एम्बुलेंस भी आया हुआ है सामने। तो करते हैं अब हम अपनी तैयारी। अब आज झांसी पहुंचना, जो कि यहाँ से 500 कुछ किलोमीटर है। रास्ते में कहीं चाय पी लेंगे, नहीं हुआ तो बना लूँगा मैं खुद से। किचन का भी पूरा व्यवस्था है। ये है वाराणसी रोड हाईवे। यहाँ पर मैं अपना चाय पीने के लिए रुक गया, चाय पी डाला हूँ और ये कुछ लोग मिले मुझे, ले लेता हूँ सबका वीडियो फोटो। सब्सक्राइबर भी है मेरे कुछ। ये मैं नरसिंहपुर पहुंच चुका हूं और अभी करीब 9:30 बज रहे हैं। काफ़ी धुंध कोहरा छाया हुआ है, अभी तो काफ़ी कम हो गया है। सिवनी से जब निकला मैं सुबह 7 बजे, तो बहुत ज़्यादा धुंध था, बहुत ही ज़्यादा कोहरा। अब काफ़ी कम हो गया, अब तो रोड दिख रहा है। उस समय तो नज़र ही नहीं आ रहा था, यह स्थिति था। काफ़ी धीमे चलाना पड़ा मुझे गाड़ी। और अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हूँ, स्टॉपेज किया हूँ 10-15 मिनट, थोड़ा गाड़ी को आराम ठंडा दे दे, ठंडक हो जाए उसको भी। करीब 115 किलोमीटर कंटिन्यू रनिंग हुआ है। सामान का लोड देख सकते हैं कितना ज़्यादा हैवी है। दोनों बॉक्स भरे हुए हैं, टेंट, किचन, वर्कशॉप, इतना हैवी लोड है। ये रहा अपना एनर्जी ड्रिंक, इसको लेते हैं। सुबह चाय पिया था।
ये मैं नरसिंहपुर के आगे करेली के पास आ गया हूँ और यहाँ पर ये नर्मदा नदी नज़र आ रहा है। महाराज जी लोग भी खड़े हैं। यहाँ से आप कहाँ जाओगे? हाँ, अब चालू हो गया। अमृतसर के बाद अपना झुंझुनू, बीकानेर, पुष्कर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, फिर शिरडी के बाद बेंगलोर, तिरुपति, रायपुर। अपना पेट्रोल टैंक और बचा थोड़ा भी और आएगा, कितना डाला है? थोड़ा सा और डाल दो। फोटो भी आप बड़े लगवा, डबल डबल और लगवाए जाओ।
है।